फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड डी कैफे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और ऐसे में सोशल गैदरिंग हमें नहीं करनी है, मगर सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि रीजन भी है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही, उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही चॉकलेट केक बनाऊं। तो आइए हम उसकी रेसिपी देखते हैं। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश माय सन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट केक बनाने के लिए हम लेंगे मैदा, शुगर, दूध, अंडे, बटर, कोका पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अभी मैं आप लोगों को क्वांटिटी बता दूंगी। इसके लिए हम लेंगे एक कप मैदा। आप सबसे पहले मैदा, कोका पाउडर मैंने 3/4 कप लिया है, इन सबको हम पहले मिलाकर इसमें छान लेंगे। और इसके साथ ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने अलग अलग रखा हुआ है, ये सब आधा टेबल स्पून है, इन सबको पहले हम छान लेंगे। इसे अच्छे से मिलाकर साइड में रख देंगे। और अभी हम तैयार करेंगे एक बाउल में 3/4 कप चीनी और ये बटर, इसको बटर को हम इसमें मिला देंगे। इसे अच्छे से मिलाकर बटर और शुगर को आप थोड़ा बीट कर लेंगे, इसमें हल्का बीट करने पर ये मिल जाएगा अच्छे से। इसमें हम एग डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे दूध और इसको भी थोड़ा सा फेंट लेंगे हल्का। अब इसमें हम ये जो हमने मिक्सर रखा हुआ था, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, कोकोआ पाउडर, उन सारे को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। यदि आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, लेकिन इसकी मेरी कंसिस्टेंसी ठीक है। और अब हम एक पैन में बटर ग्रीस करेंगे, चारों ओर से ग्रीस कर देंगे इसको। और अब हम ये वाला जो हमारा बैटर है इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे।
माइक्रोवेव ऑन करके आपने वो कन्वेक्शन मोड में इसे प्रीहीट कर ले, 10 मिनट्स तक प्रीहीट होगा और इधर हम तब तक इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसका जो बबल्स है वो निकल जाए। ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने 40 मिनट्स के लिए इसे कन्वेक्शन मोड में डाला हुआ है। ये लगभग 30 मिनट्स में मेरा ये केक बन चुका है। ये देखिए आप इसे लगभग 30 मिनट्स के बाद ये हमने ये जो बना लिया, अब इसे हम पलट कर और ऐसे करके इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा ये केक बनकर आ गया है। ये देखिए काफी फ्लफी हो गया है। ये देखिए जैसे हम इसमें लगाकर देखते हैं नाइफ से, ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये केक हो चुका है। एकदम डार्क चॉकलेट का बनाया है मैंने। ये ऊपर का जो अनइवन पार्ट था, जो थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर आ गया था, उसे मैंने बराबर करके नाइफ से निकाल दिया है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। क्योंकि चॉकलेट वाला केक बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हम इसे ये चॉकलेट सिरप से ऊपर से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए पूरा चॉकलेट का फ्लेवर आएगा इसमें और ये चॉकलेट रिच तो मैंने पहले ही बनाया है और इसे चॉकलेट डालकर आप इसे थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर दें ताकि ये जो चॉकलेट जो है थोड़ा सा हल्का जम जाएगा, तो उसे फिर काट कर खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके डेकोरेशन के लिए इसे थोड़ा सा नाइफ से ऐसे से मिला दें। देखिए ये पूरा रिच चॉकलेट हो गया है। ये इसे थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करेंगे हम। रेफ्रिजरेशन से होगा कि चॉकलेट इस पर जम जाएगा और वो टेस्ट उसका काफी अच्छा आएगा। अभी इसको थोड़ा सा हल्का डेकोरेट कर, इसे जेम से डेकोरेट करके अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। हमारा केक ये लगभग 1 घंटे मैंने रख दिया इसे डीप फ्रीजर में और ये हो चुका है। आप देखिए बहुत अच्छे से। और आज ही मेरे बेटे का बर्थडे है और इसे तुरंत ही मैं अभी कटवाने जा रही हूँ। केक काटने के लिए अब रेडी है। देखिए मेरा बेटा भी बैठा हुआ है और यही ट्राई करेगा कि कितना फ्लफी केक बना है। ये निकल गया। ये इसे खुद मेरे बेटे ने ही काटा है। इसे आप देखिए मैं आपके सामने इसे कटवा रही हूँ। ये देखिए कितना फ्लफी केक बना है ये। ये देखिए ये देखिए कितना फ्लफी केक है ये। आप अब बिल्कुल लॉकडाउन पीरियड में आप निराश ना हो कि बेकरी के पास जाना है और आपको रेडीमेड केक चाहिए। आप एकदम शॉर्टकट में और कम इंग्रेडिएंट से आसानी से घर पर ही केक बना सकते हैं और सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा ये चॉकलेट केक आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर इनबॉक्स करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।